नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एडिशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ अंकिता। प्यार का स्पेशल दिन यानी वैलेंटाइन डे 2023 आज दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जा रहा है। हर कोई इस खास दिन पर अपने अपने पार्टनर को स्पेशल अंदाज में वैलेंटाइन डे की विशेष दे रहा है। पिछले कुछ महीनों में बॉलीवुड की कई शानदार जोड़ियों ने शादी की है, जिनका ये शादी के बाद पहला वैलेंटाइन होगा। शादी के बाद चीजें बदल जाती हैं, आपका पार्टनर आपसे और भी बेहतरी की कामना करता है। हालांकि प्यार में इन चीजों में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समय को थोड़ा खास बनाने के लिए और वैलेंटाइन को यादगार बनाने के लिए कपल एक दूसरे को तरह तरह सरप्राइज देते हैं। तो आइए बॉलीवुड के उन न्यूली वेड्स कपल पर एक नजर डालते हैं, जो अपना पहला वैलेंटाइन पति और पत्नी के रूप में इस बार एक दूसरे के साथ मनाने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले बात करेंगे हमारे न्यूली वेड कपल सिद्धार्थ और कियारा की, जिन्होंने बीते 7 फरवरी को जयपुर के सूर्यगढ़ पैलेस में शादी की है। उनकी शादी की फोटोज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। आपको बता दें कि इस कपल ने मनीष मल्होत्रा द्वारा डिजाइन किए गए आउटफिट को अपनी शादी पर पहना था। इस कपल के लिए ये भी पहला वैलेंटाइन डे बहुत खास होगा। आतिया शेट्टी और केएल राहुल ने हाल ही में शादी की है। उनकी शादी की फोटोज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। आपको बता दें कि आतिया शेट्टी और केएल राहुल की लव स्टोरी की शुरुआत साल 2019 में हुई थी। दोनों की मुलाकात उनके एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया था। दोनों के बीच गहरी दोस्ती भी हुई और फिर ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। कुछ दिनों पहले ही आतिया शेट्टी और केएल राहुल एक दूसरे के जीवन साथी बने। ये कपल इस बार अपना पहला वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करेगा। दृश्यम 2 के डायरेक्टर अभिषेक पाठक ने 9 फरवरी को अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड शिवालिका ओब्रॉय से शादी कर ली है। ये उनका पहला वैलेंटाइन डे होगा, जो उनके लिए काफी खास होगा। साउथ की फेमस एक्ट्रेस नयनतारा ने साल 2022 में विघ्नेश के साथ शादी रचाई थी। ये शादी उन्होंने चेन्नई के महाबलीपुरम में की थी। नयनतारा की शादी साउथ से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री तक खूब चर्चा में थी। आपको बता दें कि नयनतारा और विघ्नेश काफी लंबे वक्त से रिलेशनशिप में थे और शादी के बाद इस कपल का ये पहला वैलेंटाइन डे होगा। आपको बता दें कि अली फजल और ऋचा चड्ढा ने शादी कर ली है। शादी के बाद ये उनका पहला वैलेंटाइन डे होगा। बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड शादियों में से एक शादी अली फजल और ऋचा चड्ढा की भी थी। ऋचा चड्ढा और अली फजल की लव स्टोरी फिल्म फुकरे के सेट पर शुरू हुई थी। इस कपल ने साल 2022 में शादी की थी। साल 2017 से ये दोनों रिलेशनशिप में थे और सोशल मीडिया पर साथ में फोटोज भी शेयर करते थे। साउथ फिल्म इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी ने अपने बॉयफ्रेंड सोहेल कथूरिया के साथ राजस्थान की राजधानी जयपुर में शादी की थी। शादी की सारी फोटोज पर उनके लाखों फैंस और सेलेब्स ने कमेंट भी किए थे। ये वैलेंटाइन डे उनके लिए भी काफी स्पेशल होने वाला है। आलिया भट्ट और रणवीर कपूर इस बार अपना पहला वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करेंगे। उनके इस खास दिन में उनकी लाडली बेटी राहा भी मौजूद होंगी, इसीलिए उनका ये दिन और भी स्पेशल होने वाला है। आपको इन सेलेब्स में किसकी जोड़ी सबसे ज्यादा पसंद आई, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की तमाम और छोटी और बड़ी खबरों की जानकारी के लिए बने रहें न्यूज नेशन के साथ।